गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या आप गूगल ड्राइव चलाते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस जीमेल आईडी का यूज़ सिर्फ गूगल और फेसबुक और यूट्यूब चलाने के लिए ही नहीं, बाकी आपकी हर चीज़ों में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं और उसे कैसे मैनेज किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में हम जैसे ही गूगल ऑन करेंगे और गूगल इंटर करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे gmail.com और जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्रिएट जब करते हैं तो हम यहाँ पे ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम भरेंगे अपना पहला नाम, लास्ट नेम और यूज़र नेम। दोस्तों यूज़र नेम सेट करते वक्त हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि जो यूज़र नेम हमें चाहिए वो जल्दी हमें मिलता नहीं है, तो उसे मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि कैसे उसे मैनेज करते हैं। तो चलिए आइए मैं इन सब चीज़ों को आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसे मैनेज किया है। तो यहाँ पे हम अब अपनी जीमेल आईडी सेट कर रहे हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं परवेज़ अकेडमी 72562 ऐसे करके बहुत सारा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे सेट कर रहा हूँ, जिसे मैनेज करना कहा जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते बहुत लंबी चौड़ी आईडी बना देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ जिसे आप इजीली अपने से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मुझे जो दिख रहा है अब मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड में एक अपर केस लेटर और एक न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि गूगल स्ट्रांग पासवर्ड हमेशा ठीक रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसके बाद हमें अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस पे हमारी ओटीपी जाएगी, और एक रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर किसी का है तो चलेगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और जेंडर भर के हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, और सेंड पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे जो हमने यहाँ पे इंटर किया है वहाँ पे आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही ओटीपी इंटर करते हैं उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करते ही हमारा जीमेल आईडी दोस्तों रेडी हो जाएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम यस आई एम इन करेंगे और हम इसे अप्रूव करेंगे कि ये हमारी ही ईमेल आईडी है और हमारा मोबाइल नंबर ही इसमें दिया गया है। चलिए यहाँ पे यस आई एम इन कर लेते हैं, और उसके बाद जितनी भी इसकी ये प्राइवेसी वगैरह है हम इसे एग्री करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा जीमेल ओपन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया अकाउंट पे उसके बाद हम टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करेंगे। राइट साइड पे क्लिक करते ही हमारी आईडी तो ओपन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी डीपी चेंज करेंगे, जिसके लिए हम गैलरी में जाएंगे। यहाँ से हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, और फ़ोटो को अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे इसे सेट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे क्रॉप करके इमेज को फिक्स करेंगे। दोस्तों इसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है वो तैयार हो चुकी है, उसे अब हम अपने जीमेल के प्रोफेशनल अकाउंट में खोलेंगे। वो कैसे खोलेंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, बने रहेगा वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ पे हम अपना जीमेल खोल चुके हैं, और यहाँ पे अब हम जो ईमेल आईडी बनाया है आपके सामने वो अब हम दिखाएंगे कैसे इसे मैनेज करते हैं और कैसे इस पर ईमेल वगैरह भी सेंड करते हैं, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं सब चीज़ ओपन हो चुका है, और ये मेरी एक फ्रेश आईडी है। इस पर अब क्या करेंगे हम, कैसे इनबॉक्स है यहाँ पे, बाकी सेंट मेल, ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे जैसे कंपोज दिख रहा है, कंपोज पे क्लिक करके आप इस पर ईमेल भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज तक की जानकारी कि जीमेल को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे इसे प्रोफेशनल बनाया जाता है जीमेल।
तो आप देख चुके हैं दोस्तों, सीख चुके हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।